आज हम आपके सामने बहुत ही खास विषय के साथ आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नींबू का सेवन किडनी रोगियों के लिए कैसा होता है, साथ ही हम नींबू के कुछ फायदों के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नींबू का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अगर बात आयुर्वेदिक औषधियों की करें तो नींबू का प्रयोग कई आयुर्वेदिक औषधियों को बनाने में किया जाता है। नींबू एक खट्टा फल है जिसके अंदर बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। नींबू में 88% पानी होता है। किडनी को सही तरह से डिटॉक्स करने में ये मदद करता है, जिससे बॉडी में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा नींबू में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और सेलेनियम के गुण होते हैं। ये आपके किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। लेकिन आपको बता दें कि किडनी के मरीज इसका सेवन नहीं कर सकते। किडनी के मरीजों को खट्टे फलों का सेवन करना हानिकारक होता है, इसलिए इसका सेवन नहीं कर सकते, ये उनके लिए वर्जित होता है। पर जिनकी किडनी में स्टोन है, वो किडनी के मरीज इसका सेवन जरूर कर सकते हैं। वो भी कितनी मात्रा में करना है ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। चलिए आप जानते हैं कि नींबू का सेवन आपकी बॉडी में होने वाली और कौन सी दिक्कतों को दूर करने में सहायक होता है। नींबू का पहला फायदा है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता, उन्हें बॉडी में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को बदलते मौसम का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका शरीर बहुत कमजोर होता है और उनके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। जो लोग अपनी डाइट में नींबू का सेवन करते हैं तो इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर ठीक होती है, जो शरीर से बीमारियों के जोखिम को कम करती है। नींबू में पाए जाने वाला विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को सुधारने में मदद करता है, जिससे आप कम बीमार पड़ते हैं। नींबू का अगला फायदा है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर आप नियमित रूप से नींबू का सेवन करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और आपको हाई बीपी की दिक्कत नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन्हें हाई बीपी की दिक्कत लगातार बनी रहती है, उन्हें किडनी में खराबी आ जाती है। इसलिए ऐसा कहना कि नींबू का सेवन किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है गलत नहीं होगा। अगला है, नींबू आपके शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता। नींबू जैसे सिट्रस फल आपके शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देते, जिससे आप इस गंभीर बीमारी से दूर रहते हैं। इसके अलावा जो लोग वजन कम करने की विश रखते हैं और किसी कारणवश उसको पूरा नहीं कर पाते, तो वो भी अपनी रोज की डाइट में नींबू को शामिल कर सकते हैं, जिसके लिए वो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस डालकर रोज पिए। इससे उनके शरीर में जमा होने वाला एक्स्ट्रा फैट शरीर से बाहर होता है और वजन भी नियंत्रण में रहता है। वायरल फीवर होने पर भी नींबू का सेवन काफी फायदेमंद माना गया है। ये एक घरेलू उपचार की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि नींबू का सेवन आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है, जिससे आप वायरल फीवर जैसे संक्रमण से दूर रहते हैं। नींबू जैसे सिट्रस फल जो कि फ्लेवोनॉइड्स गुणों से भरपूर होते हैं, जिनका सेवन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। साथ ही ये आपके शरीर में जमा टॉक्सिन्स को यूरिन के माध्यम से बाहर कर देता है, जिससे ब्लड साफ रहता है, साथ ही आपका हार्ट भी स्वस्थ रहता है। नींबू का सेवन आपकी बॉडी में ब्लड की कमी को रोकता है। इसमें सही मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, जिससे आप अनीमिया जैसी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं होते। साथ ही ये आपके ब्लड को भी साफ रखता है, जिससे आपकी किडनी के काम में कोई दबाव नहीं आता और आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। अगर आप अपनी डाइट में नींबू को शामिल करते हैं तो ये न सिर्फ आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, बल्कि ये आपके लिवर को भी डिटॉक्स करता है। इससे आपका लिवर स्वस्थ रहता है। नींबू में हेपेटोप्रोटेक्टिव के गुण होते हैं, जो आपके लिवर में होने वाली सूजन या फिर किसी भी प्रकार के संक्रमण को दूर रखता है और आपको पेट की कोई तकलीफ नहीं होती। जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए नींबू किसी औषधि से कम नहीं है। जिन्हें सांस की किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, उन्हें नींबू में शहद मिलाकर पीना काफी लाभदायक होता है। इसके साथ नींबू का प्रयोग आपके बालों के लिए भी लाभदायक होता है। तो ये है नींबू के कुछ फायदे, जिनका सेवन और उपयोग दोनों आपके लिए फायदेमंद होता है।
हमने आपको पहले ही बताया है कि किडनी के मरीज इसका सेवन न करें। किडनी स्टोन वाले मरीज भी नींबू का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है, क्योंकि यहाँ कुशल डाइटिशियन है जो आपको आपकी डाइट की सही जानकारी देते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।